शाय नमः श्री जानकी वल्लभो विजयते श्री रामचरित मानस सुंदरकांड। तब लगी हृदय बसत खलनाना लोभ मोह मच्छर मदमाना। जब लगी उर न बसत रघुनाथा दरे चाप सायक कटिबा था। लोभ मोह मत्सर मद और मान आदि अनेकों दुष्ट तभी तक हृदय में बसते हैं जब तक कि धनुष बाण और कमर में तरकस धारण किए हुए श्री रघुनाथ जी हृदय में नहीं बसते। ममता तरुण तमी अंधिकारी राग द्वेष उलक सुखकारी। तब लगी बसत जीव मन माही जब लगी प्रभु प्रताप रवि नाही। ममता पूर्ण अंधेरी रात है जो राग द्वेष रूपी उल्लू को सुख देने वाली है। वह ममता रूपी रात्रि तभी तक जीव के मन में बसती है जब तक प्रभु का प्रताप रूपी सूर्य उदय नहीं होता। अब मैं कुशल मिटे भय मारे देही राम पद कमल तुम्हारे। तुम कृपाल जा पर अनुकूला ताहि न व्याप त्रिविध वसूला। हे श्री राम जी, आपके चरण विंद के दर्शन कर अब मैं कुशल से हूँ। मेरे भारी भय मिट गए। हे कृपालु, आप जिस पर अनुकूल होते हैं उसे तीनों प्रकार के भवशूल आध्यात्मिक अधिदैविक और अधिभौतिक ताप नहीं व्याप्ते। मैं निशिचर अति अधम स्वभाव शुभ आचरण कीन नहीं काऊ। जा सुरूप मुनि ध्यान ना बाते प्रभु हरषि हृदय मोहि लावा। मैं अत्यंत नीच स्वभाव का राक्षस हूँ। मैंने कभी शुभ आचरण नहीं किया। जिनका रूप मुनियों के भी ध्यान में नहीं आता, उन प्रभु ने स्वयं हर्षित होकर मुझे हृदय से लगा लिया। अहो भाग्य मम अमित अति राम कृपा सुख पुंज। देखो नयन विरंचि शिव से विदुपद पल कंज। मंगल भवन अमंगल हारी द्रव उस दशरथ अजिर बिहारी। हे कृपा और सुख के पुंज श्री राम जी, मेरा अत्यंत असीम सौभाग्य है जो मैंने ब्रह्मा और शिव जी के द्वारा सेवित युगल चरण कमलों को अपने नेत्रों से देखा। सुनऊ सखा निज कहूँ सुभाऊ। जानु बुसुंडी सांबु गिरु जाऊ। जो नर होई चराचर द्रोही आवई सभय सरन तकी मोही। श्री राम जी ने कहा, हे सखा सुनो, मैं तुम्हें अपना स्वभाव कहता हूँ जिसे काकभुशुंडू जी, शिव जी और पार्वती जी भी जानती हैं। कोई मनुष्य जड़ चेतन जगत का द्रोही हो, यदि वह भी भयभीत होकर मेरी शरण तक कर आ जाए। सजी मद मोह कपट छल नाना। करूं सद्य थे साधु समाना। जननी जनक बंधु सुत दारा। तनु दनु भवन सुहृद परिवारा। और मद मोह तथा नाना प्रकार के छल कपट त्याग दे तो मैं उसे बहुत शीघ्र साधु के समान कर देता हूँ। माता पिता भाई पुत्र स्त्री शरीर धन घर मित्र और परिवार। सब के ममता ताग बटोरी। मम पद बनई बांधी बड़ डोरी। समदर्शी इच्छा कछु नाही। हर्ष शोक भय नहीं मन माही। इन सबके ममत्व रूपी धागों को बटोर कर और उन सबकी एक डोरी बटकर उसके द्वारा जो अपने मन को मेरे शरणों चरणों में बांध देता है, जो समदर्शी है, जिसे कुछ इच्छा नहीं है और जिसके मन में हर्ष शोक और भय नहीं है। असज्जन मम उर बस कैसे। लोभी हृदय बसई धनु जैसे। तुम सारिखे संत प्रिय मोरे। धरौं देह नहीं नान निहोरे। ऐसा सज्जन मेरे हृदय में कैसे बसता है जैसे लोभी के हृदय में धन बसा रहता है। तुम सरी के संत ही मुझे प्रिय हैं। मैं और किसी के निहोरे से कृतज्ञतावश देह धारण नहीं करता। सगुन उपासक पर हित निरत नीति दृढ़ नेम। ते नर प्राण समान मम जिनर के द्विज पद प्रेम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रव उसु दशरथ अजिर बिहारी। जो साकार भगवान के उपासक हैं, दूसरों के हित में लगे रहते हैं, नीति और नियमों में दृढ़ है और जिन्हें ब्राह्मण के चरणों में प्रेम है, वे मनुष्य मेरे प्राणों के समान हैं।
सुनु लंकेश सकल गुण तोरे, ताते तुम अतिशय प्रिय मोरे, राम बचन सुनि बानर जूठा, सकल कहें जय कृपा भरूता। हे लंकापति, सुनो, तुम्हारे अंदर उपयुक्त सब गुण हैं, इससे तुम मुझे अत्यंत ही प्रिय हो। श्री राम जी के वचन सुनकर सब वानरों के समूह कहने लगे, कृपा के समूह श्री रामचंद्र जी की जय हो। सुनत विभीषण प्रभु के बानी, नहीं अगात शिवनामित जानी, बंदम बुज गहि बार ही बारा, हृदय समात न प्रेम अपारा। प्रभु की वाणी सुनते हैं और उसे कानों के लिए अमृत जाकर विभीषण जी अघाते नहीं हैं। वे बार बार श्री राम जी के चरण कमलों को पकड़ते हैं। अपार प्रेम है, हृदय में समाता नहीं है। सुनो देव सराचर स्वामी, प्रणत पाल उर अंतर जामी, उर कछु प्रथम बास ना रही, प्रभु पद प्रीति सरित सोबही। विभीषण जी ने कहा, हे देव, हे चराचर जगत के स्वामी, हे शरणागत के रक्षक, हे सबके हृदय के भीतर की जानने वाले, सुनिए, मेरे हृदय में पहले कुछ वासना थी, वह प्रभु के चरणों की प्रीति रूपी नदी में बह गई। अब कृपाल निज भगति पावनी, देहु सदा शिव मन भावनी, एवं मस्तु कहि प्रभु रन धीरा, मांगा तुरत सिंधु कर नीरा। अब तो हे कृपालु, शिव जी के मन को सदैव प्रिय लगने वाली अपनी पवित्र भक्ति मुझे दीजिए, एवमस्तु कहकर रणधीर प्रभु श्री राम जी ने तुरंत ही समुद्र का जल मांगा। जदपि सखा तब इच्छा नाही, मोर दरस अमोघ जग माही, अस कही राम तिलक तेहि सारा, सुबन ब्रेष्टि नभ भई अपारा। और कहा, हे सखा, यद्यपि तुम्हारी इच्छा नहीं है, पर जगत में मेरा दर्शन अमोघ है, वह निष्फल नहीं जाता। ऐसा कहकर श्री राम जी ने उनको राज तिलक कर दिया। आकाश से पुष्पों की अपार वर्षा हुई। रावण क्रोध अनल निज, श्वास समीर प्रचंड, जरत विभीषण राखेऊ दीने राज अखंड, जो संपति शिव रावण ही, दीन दिए दस मात, सोई संपदा विभीषण ही, सकुच दीन रघुनाथ, मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदश रथ अजिर बिहारी। श्री राम जी ने रावण के क्रोध रूपी अग्नि में, जो अपनी श्वास रूपी पवन से प्रचंड हो रही थी, जलते हुए विभीषण को बचा लिया और उसे अखंड राज्य दिया। शिव जी ने जो संपत्ति रावण को 10 सिरों की बलि देने पर दी थी, वही संपत्ति श्री रघुनाथ जी ने विभीषण को बहुत सकुचते हुए दी। अस प्रभु छाड़ी भजई जे आना, ते नर पशु बिनु पूछ बिशाना, निज जन जानी ताही अपनावा, प्रभु सुभाव कपि कुल मन भावा। ऐसे परम कृपालु प्रभु को छोड़कर जो मनुष्य दूसरों को बचते हैं, वे बिना सींग पूंछ के पशु हैं। अपना सेवक जानकर विभीषण को श्री राम ने अपना बना लिया। प्रभु का स्वभाव वानर कुल के मन को बहुत भाया। उनि सर्वज्ञ सर्व उर्वासी, सर्व रूप सब रहित उदासी, बोले बचन नीति प्रतिपालक, कारण मनुज धनुज कुल घालक। फिर सब कुछ जानने वाले, सबके हृदय में बसने वाले, सब रूपों में प्रकट, सबसे रहित, उदासीन, कारणों से मनुष्य बने हुए तथा राक्षसों के कुल का नाश करने वाले श्री राम जी नीति की रक्षा करने वाले वचन बोले। सुनु कपीस लंकापति वीरा, केहि विधि तरै चल दिगंबीरा, संकुल मकर उरग जस जाति, अति अगाध दुस्तर सब भांति। हे वानर राज सुग्रीव और लंकापति विभीषण, सुनो, इस गहरे समुद्र को किस प्रकार पार किया जाए। अनेक जाति के मगर, सांप और मछलियों से भरा हुआ यह अत्यंत अथाह समुद्र पार करने में सब प्रकार से कठिन है। कह लंकेश सुनौ रघुनायक, कोटि सिंधु शोषक तब सायक, जद्पि तद्पि नीति असि गाई, बिनय करई सागर सन जाई। विभीषण ने कहा, हे रघुनाथ जी, सुनिए,
यद्यपि आपका एक बाण ही करोड़ों समुद्रों को सोखने वाला है, तथापि नीति ऐसी कही गई है कि उचित यह होगा जाकर समुद्र से प्रार्थना की जाए। प्रभु तुम्हार कुल गुरु जलधि कै उपाय बिचारी, बिनु प्रयास सागर तरहि, सकल भालु कपिधारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उस दशरथ अजिर बिहारी। हे प्रभु, समुद्र आपके कुल में बड़े हैं, वे विचार कर उपाय बतला देंगे। तब रीछ और वानरों की सारी सेना बिना किसी प्रयास के समुद्र के पार उतर जाएगी। जय सियाराम।